इस पूजा में तीन दिन व्रत रहा जाता है, उसके बाद जाता में आटा वाटा पीसा जाता है, ठेकुआ बनता है, पूरा फल वल मतलब जितना फल होता है सब वो सब मिल के चढ़ाया जाता है। और आज होगा, इसके भोर में एक दिन और होगा, बस सबसे बड़ा पर्व है बिहार का। छठ पूजा तीन दिन का होता है, पहले खरना नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है और फिर शाम का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ दिया जाता है। और छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस पर माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है छठ पूजा पे। वो बताएगी, अरे वो तो हम पूछ लेंगे। क्या बताएं, छठ पूजा हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे ये तीन दिन का त्यौहार होता है। पहला दिन इसे जैसे कि वो किया जाता है, मतलब लौकी चावल से मतलब स्टार्ट किया जाता है, फिर दूसरे दिन खीर पूड़ी खाया जाता है, शाम को घाट पर आकर नहाकर खीर पूड़ी, और तीसरा दिन संझवत का मतलब अर्घ होता है, मतलब उसके फिर चौथे दिन सुबह का। तो ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। पानी में जाके भगवान को अर्घ दिया जाता है, भगवान को औरतें बड़ी श्रद्धा से पूजा करती हैं। जितनी भी जानकारी बताएं। अच्छा खा लीजिए, आप बता दीजिए, आपको नहीं पता है छठ पूजा के बारे में? चलिए कोई बात नहीं, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रेम से बोलिए। छठी मैया की जय। जय छठी मैया का त्यौहार हर साल आता है और हम लोग हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं पूरा परिवार। बिहार में इसको महापर्व के नाम से जाना जाता है और इसको मनाने वाले घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, धन धान से परिपूर्ण रहता है। और हम सभी लोग इसे प्रेम से बोलिए, बोलो छठी मैया की। नहीं पता मुझे, हम लोग नहीं मनाते। जानती हैं कि नहीं, कुछ जानकारी है? इनसे इन लोगों से पूछिए, इन लोग जानते हैं। वो तो हम पूछेंगे, मेरा काम है, आप बताएं। पर्व को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हाँ क्या क्या करना होता है इसमें? क्या वो खरना से स्टार्ट किया जाता है और क्या बोलता है लौकी, एक दिन पहले लौकी चावल, फिर दूसरे दिन खरना होता है और उसके बाद में फिर यही छठ पूजा का ही शाम को अर्घ दिया जाता है। ये पर्व ढलते हुए सूरज को और फिर उगते हुए सूरज को पूजा की जाता है। हाँ उगते हुए सूरज को क्या बोलता है कि अर्घ दिया जाता है और शाम को पूजा चलती है। जी जी, कोई घाट पर रुकता है, कोई नहीं रुकता है। कुछ लोग करके मतलब चले जाते हैं शाम को ही, कुछ लोग रहते हैं पूरी रात करते हैं वो लोग। सुबह में सूर्योदय होता है जब वहीं अर्घ लेके फिर चले जाते हैं पूजा करके। और वो गेहूँ क्या बता रहे थे? वो तो मतलब गेहूँ सुखाए जाते हैं, बीने जाते हैं, चक्की में ही पीसे जाते हैं, उसी के प्रसाद बनते हैं घी में। छठ माता का महिमा अपरंपार है। हाँ बोले, बहुत अच्छा बोले। जो कि मतलब वो सारी दुख कष्ट काट देती हैं, जो लोग मन्नत करते हैं उनका पूर्ति कर देती हैं, थोड़ा या बहुत में वो नाराज नहीं होती हैं। जो जिसके पास आर्ट होता है उसी के माध्यम से कर सकता है।